जो शराब नीति अभी हमारी सरकार की है, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं खामी है। 40 केस में बिहार सरकार ने अपील किया था, वो अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पुलिस का जो व्यवहार है संदेहात्मक है, वो लोग इसमें पैसा ले करके बड़े लोगों को छोड़ देते हैं और छोटे लोगों को नाम गिनाने के लिए कि मामला हमने तय किया है, दर्ज किया है, दर्ज कर देते हैं। बोले भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, जहरीली शराब से हो रही मौत पर अब सरकार घेरे में आ गई है। जहां भाजपा सवाल उठाई रही थी, अब जीतन राम मांझी ने भी सवाल कर दिया है कि जिस तरह से कृषि कानून को केंद्र ने वापस लिया, वैसे ही बिहार सरकार भी इसको वापस ले। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुनिए उनको। जैसे बिहार शरीफ में विषैली शराब सेवन के चलते हत्या मृत्यु हो गई है, कुछ लोग 5 बतलाते हैं, कुछ लोग 8 बतलाते हैं, कुछ लोग घायल भी हैं। इसी प्रश्न पर हमसे बातचीत हुई तो हमने कहा कि ये बिहार शरीफ की घटना कोई नई घटना नहीं है, गोपालगंज में भी घटना घटी है, समस्तीपुर में भी घटी है, मधुबनी में भी घटी है, आए दिन ये घटनाएँ घटती रहती है। और इसका मतलब साफ है कि जो शराब नीति अभी हमारी सरकार की है, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं खामी है, जिसके चलते ये सब बातें हो रही है। तो इस चीज़ को, शराबबंदी का जो यह कानून है, उसमें बहुत पहले भी हमने कहा था कि इसमें समीक्षा होनी चाहिए। इसका एक पहलू ये भी है, ये तो गरीब लोग पी करके मरते हैं और केस मुकदमा भी होता है तो गरीबों पर ही केस मुकदमा हो जाता है, और वही लोग आज प्रायः चाहे तो कार्रवाई में हैं या नहीं तो जेल में हैं। और जेल में सुप्रीम कोर्ट का मामला भी है, माननीय उच्चतम न्यायालय का भी मामला है कि वो लोग बिहार सरकार के खिलाफ टिप्पणी की है कि इतना केसेस है शराब से संबंधित कि सारे जजेज उच्च न्यायालय के उसी में लगे हुए हैं। और दूसरा केस होता है, अगर जमानत का भी केस होता है तो उसकी पारी साल भर में आती है, ये तो उचित नहीं है। और फिर 40 केस में बिहार सरकार ने अपील किया था, वो अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। स्पष्ट है कि जनता तो तराह तराह कर ही रही है, सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायालय भी इस मायने में अनेक प्रकार की टिप्पणियां कर रही है। और दूसरी बात कि भाजपा जो मेजर हम लोगों का सहयोगी हैं, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के सरकार चलाई जा रही है, उन लोगों का मुखिया भी कुछ इस तरह की बातें बोल रहे हैं, तो मिल बैठ कर के इसको आपस में तय करना चाहिए और इसको पुनर्विचार करना चाहिए। फिर हमने ये कहा कि जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी कृषि कानून को विरोध होने पर वापस कर लिए, तो फिर इस केस को, इस नीति को, शराब नीति को पुनः समीक्षा करने में क्या दिक्कत है। इसलिए नीतीश कुमार को हम लोगों ने सजेशन किया है, दिया है, और मिल करके ही बात करना चाह रहे थे। हम 2 बार समय उनसे मांगा लेकिन नहीं मुलाकात हुई। और ये भी कहना चाहते हैं हम कि साहब, आप कानून बनाए हैं, अच्छी कानून है, शराबबंदी होनी चाहिए, हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ दिक्कत हो रही है, इसको ज़रूर समझना चाहिए। और इससे पुलिस का जो व्यवहार है संदेहात्मक है, वो लोग इसमें पैसा ले करके बड़े लोगों को छोड़ देते हैं और छोटे लोगों को नाम गिनाने के लिए कि मामला हमने तय किया है, दर्ज कर देते हैं, और जिससे कि हमारे गरीब लोग परेशान हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी से हम लोग अनुरोध किया है और करते हैं और करेंगे भी, अगर मुलाकात होती है इधर तो, कि आप शराब का जो नीति आपका 2016 का है उसमें को आप समीक्षा कीजिए। तो आपने जीतन राम मांझी को सुना, वो गया में थे और वहाँ उन्होंने एक बयान दिया। जब नालंदा में 11 से ज़्यादा जहरीली शराब से मौत हुई, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र ने कृषि कानून वापस लिया है, उसी तरह से बिहार सरकार को चाहिए कि शराबबंदी का कानून वापस हो। शराबबंदी पर बार बार सवाल उठाते नजर आए हैं
जीतनराम मांझी फिर से एक बार ये सवाल उठा दिया। हर महीने आपको कुछ ना कुछ हर जगह हर ज़िले में कोई ना कोई ज़िला होगा जहां आप सुनते होंगे कि 10 मौत हो गई 20 मौत हो गई जहरीली शराब से। इस बार 11 से ज़्यादा मौत हुई है। अब सरकार के साथी ही सवाल उठा रहे हैं क्या होगा, क्या शराबबंदी वापस ली जाएगी। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।